हमने छोटी सी झलकियां जो कि भी YouTube पे देखी है, हमें एक स्टोरी दिखाई दे रही है, एक हमें फाइटिंग है, एक उसमें एक अच्छा सीक्वेंस भी दिखाई दे रहा है। पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, उसके बाद और भी बातें करेंगे सामने देख के। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, ये मेरा पहला सिंगल है एंड थैंकफुली आर्यन ने मुझे बहुत अच्छा गाना दिया है। नहीं, मैं आर्यन को देख रही थी, तो आर्यन ने मुझे अच्छा गाना दिया है एंड आई एम रियली हैप्पी के यू नो बाहर लोगों को गाना अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगा हो। स्टोरी है, स्टोरी आप जानना चाहेंगे या आप गाना देखेंगे उसमें पता चलेगा? बता दीजिए मैम, स्टोरी बता दीजिए, दीदी बता दीजिए। तो एक फाइट क्लब है जिसकी मैं बॉस दिखाई हूँ, मैं एक फाइट क्लब ओन करती हूँ। तो वहाँ पे एक मेरा एक मुस्टंडा लड़का होता है जो स्टार होता है सबका, ऑब्वियसली द वन हु इज बीटिंग यू इनिशियली। अच्छा, इनिशियली तो हाँ, वो मतलब मेरा हीरो, मेरा स्टार फाइटर होता है। और जो आर्यन की एंट्री जब होती है तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो स्टार फाइटर है वो आर्यन को भी मार गिराएगा। बट आर्यन कम्स अक्रॉस एज अ विनर एंड ही शोज हिज पावर एंड दैट्स हाउ द गर्ल फॉल्स फॉर दिस गाय एंड देन द सॉन्ग स्टार्ट्स। आर्यन जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस विद ब्यूटीफुल गर्ल? ऑफ कोर्स शी इज ब्यूटीफुल डीजी को थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि डीजी ने यू नो इतना कॉपरेट किया गाने के लिए। इनफैक्ट उसने बहुत हार्ड वर्क किया गाने के लिए और मैं कहना चाहूँगा कि डीजी गाने में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और इस टाइम खुद अलग डीजी दिख गया, ये सब लोग कह रहे हैं। आप लोग ने भी देखा ना, डीजी अलग लिख रही है इस टाइम, टोटली अलग। तो डीजी के लिए, डीजी ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें और मुझे पहले, मेरी फर्स्ट और लास्ट चॉइस डीजी थी जब से मैंने गाना बनाया था उस दिन से। ऐसे कुछ हुआ था? नहीं, वैसे तो नहीं, क्योंकि आर्यन फैसल जो है, जो डायरेक्टर है वो भी अभी ये एल्बम के, वो अभी आए नहीं है बट आई थिंक ही इज़ ऑन हिज वे। सो मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है फैसल के साथ। फैसल इज़ माय बेस्ट वन, लाइक हम तीन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मेरी जो एक बेस्ट फ्रेंड है उनके हस्बैंड है, तो आई थिंक वैसे हुआ है क्योंकि आई डोंट रियली नो आर्यन, आई डिडंट न्यू आर्यन दैट टाइम बट आई मेट हिम थ्रू फैसल। तो वैसा कनेक्शन हुआ, तो ज़्यादा मतलब कोई फील्डिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ फील्डिंग नहीं कुछ। एल्बम पहचान के लिए बनाई जाती है, क्या कहना चाहेंगे अपनी मार्केट में पहचान बनाने के लिए? आपने डीजी का सहारा दिया, ये आप कह सकते हो, ऐसे कोई गलत बात नहीं कह रहा क्योंकि डीजी एक जान मानी हस्ती है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है इनफैक्ट। पर जैसे भी मैं गाना करना चाहता था, मैंने इसमें हर एक वो चीज़ लोगों को लिया है जो बड़े एक्सपीरियंस है, जैसे कि आज प्रेस भी है यहाँ पर, सारी एक्सपीरियंस प्रेस है मैं कहना चाहूँगा। तो डेजी जो एक्सपीरियंस पर्सन थे उनको लेना चाहता था, एक्शन मास्टर भी हमारे आमीन भाई है जो भी परफेक्टली है, राहुल जो पॉल जो कोरियोग्राफर है वो भी परफेक्ट, सारे एक्सपीरियंस बनते। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था कि कोई गाना बनाऊँ तो एक अच्छी चीज़ लेके आऊँ अच्छे लोगों, ताकि लोगों को समझ में आए। आई थिंक उसके अंदर सबसे अच्छी बात ये हो गई कि जो गाना है वो रेमो के सुपरविजन में हुआ। तो आई थिंक वो जो एक मसाला जो चाहिए होता है आज के कमर्शियलनेस को दिमाग में रखते हुए, सो दैट आई डोंट रियली, हैव यू गाइस सीन द सॉन्ग? आप लोग ने गाना, आपने गाना देखा है कि नहीं देखा? हमने जो 30 सेकंड का था YouTube पे वो देखा है। ओके, तो अभी हम शायद गाना प्ले, तो हम गाना प्ले करके हम लोग करते हैं तो बेहतर होगा। एक्शन भी किया है आपने? हां, एक्शन नहीं किया है आर्यन ने, एक्शन नहीं, केमिस्ट्री दोनों की साथ में। हां, वो तो आप बताएंगे ना, हम कैसे बताएंगे? शूटिंग के दौरान कैसा था? हम लोग दोस्त थे एक्चुअली। मैं आर्यन के, आर्यन की वाइफ को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हम गए थे एक अब्रॉड टूर पे गए थे, तो वहाँ पे मैं इनकी वाइफ को मिली अच्छा गाने के लिए मैं बताना चाहूँगा, गाना गाया है हमारी ज्योतिका जी ने। हेलो, और इनका नाम ज्योतिका टांगरी है और ये काफ़ी अच्छा गाना गाती है। अब जब गाना देखोगे तो पता चलेगा। अब तो एक दो सवाल ज्योतिका को भी, ज्योतिका गया रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंधे पे आ जाती है। जैसे आर्यन ने भी अभी बोल दिया कि हाँ डेजी एक जानी मानी फेस है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगेन उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी टेक्नीशियंस थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस लिए हुए थे, तो आई वुड रादर से कि एक अच्छा पैकेज बनाने की कोशिश की है आर्यन ने, बीट अ टेक्नीशियन और एन एक्टर और हुएवर ही इज ट्राइड टू गेट ऑन बोर्ड, ही इज ट्राइड टू मेक अ गुड पैकेज, अ नाइस सेलेबल पैकेज।
I am totally addicted to Big Boss. In fact, आज मैं पता नहीं कि आज का एपिसोड मेरा मिस हो जाएगा. Okay, you know, कौन सा contestant आपको अच्छा लगता है? और सलमान एकदम नए अंदाज में इस बार है ना, बहुत aggressive भी नजर आ रहे हैं. मेरे हिसाब से मुझे लगता है हितेन जो है वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत न्यूट्रल चल रहे हैं वो, ना किसी की बुराई कर रहे हैं ना किसी की अच्छाई कर रहे हैं. तो आई थिंक हितेन फेवरेट, तो मैं नहीं कहूँगी कि कोई भी फेवरेट नहीं है मेरा घर के अंदर, क्योंकि मैंने जितने भी बिग बॉस की सीजन देखी है, आई थिंक ये वाली सीजन जो है वो बहुत क्रैकर्स बहुत बज रहे हैं अंदर. आई वुड लव टू बी इन द बिग बॉस हाउस बट ओनली फॉर वन डे. Now can you come on the song? Yeah. हम लोग सॉन्ग देख लेते हैं पहले. इंटरेस्टिंग और काफी अट्रैक्टिव भी था, तो कुछ आप अपने एल्बम के लिए कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपको अच्छा लगा. कोशिश की है कुछ अच्छा बनाने की. मेरा पहला सिंगल है एंड आई वाज या इट्स माय फर्स्ट सिंगल. Like I've not done any single before. I'm the lucky one, I guess. And I'm the lucky one to, you know, to get such a peppy number. Thanks to Jyoti, उन्होंने गाना बहुत अच्छा गाया है. And पूरा गाना तो आपने देखा नहीं है, पर हम आज दिखाने वाले हैं. And teaser देख के आपको अच्छा लगा, तो I really hope कि आपको गाना भी अच्छा लगे. मैं भी कुछ कहना चाहूँगा. क्या कहना चाहूँगा? ये काफी महीनों की मेहनत है. मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी इसमें हार्डवर्क है, काफ़ी महीनों की मेहनत, लाइक एक अच्छी टीम मिली है मुझे. मैं कहना चाहूँगा भगवान ने ना मुझे अच्छे टीम दिया है, अच्छे लोग दिया है. डेजी है, ज्योतिका है, मेरे रैपर है, मेरे डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत काफ़ी हमने काफ़ी हार्डवर्क किया गाने के लिए. बिकॉज हम लोग लाइक मुझे पहली बार करना था, तो वो सब चीज़ सीखना था, सीखने के बाद गाने डिलीवर करना था और अच्छे प्लेटफॉर्म पर लाना था. टी सीरीज़ के कहाँ लोग हैं, मैं वो उनको देखना चाहूँगा. ऋषि जी कहाँ पर हैं? हाँ, तो सारे लोग अच्छे मिले मुझे. तो गाना बनाने में दिल से शिद्दत से किया है. अब देखते हैं आप लोग कितना पसंद करते हो. या एंड ये दिस इज आल्सो गुड के मतलब हमें टी सीरीज इज नोन फॉर यू नो देयर टेस्ट ऑफ गुड म्यूजिक एंड वी आर रियली लकी दैट टी सीरीज एक्चुअली गॉट दिस सॉन्ग एंड दे आर लाइक द माएस्ट्रोस ऑफ प्रमोटिंग द सॉन्ग. सो वी आर रियली लकी दैट वे. जब आपके पास ये गाना पहुंचा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैंने पहली बार जब गाना सुना तभी मुझे सुनते ही मतलब आई स्टार्टेड टैपिंग माई फीट. और मी बीइंग अ डांसर, जब एक कोई गाना होता है जिस पे मेरे पैर अपने आप टैप करने शुरू हो जाते हैं, तो इट्स लाइक इट्स अ पेपी सॉन्ग एंड आई रियली वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई नो दैट इफ आई बीइंग अ डांसर आई एम लाइकिंग द सॉन्ग देन देयर विल बी पीपल आउटसाइड हु विल बी लाइकिंग द सॉन्ग टू. मैं पहले तो मैं काफ़ी सारे सॉन्ग्स करना चाहता हूँ. अभी हाल ही फिलहाल मेरे दो सॉन्ग्स टी सीरीज पे लॉक है. आई एम गोइंग शूटिंग ऑन 8th ऑफ लाइक दिस नेक्स्ट मंथ. बैंकॉक जा रहे हैं हम लोग शूटिंग के लिए. देखते हैं आगे एक्टिंग तो मैं करूँगा, पर मुझे डिजी ने बोला काफ़ी मेहनत करना है, पतला होना है, मार्शल आर्ट करनी है, डांस करना है. मैंने इनको ये नहीं बोला कि आपको पतला होना है. आई टोल्ड हिम दैट ही नीड्स टू वर्क ऑन हिज डांसिंग स्किल्स बिकॉज़ मैं तो कर रहा हूँ. या दैट्स गुड एक्चुअली. सो या डांसिंग इज समथिंग दैट वी रियली नीड. मतलब मे बी आप बहुत मतलब 30 मार खा नहीं रहेंगे डांस में, पर आपको थोड़ा एबीसी आना बहुत बॉडी में आना जरूरी होता है. एक रिदम होता है जो बॉडी में कैच करना जरूरी होता है. सो वर्किंग हार्ड ऑन इट. अब देखते हैं आगे कितना जाते हैं. आपकी मूवी की भी प्लानिंग चल रही है मैंने सुना. अभी कहाँ प्लानिंग हो नहीं है, अभी कुछ प्लानिंग करना बाकी है. करेंगे इंशाल्लाह, जरूर करेंगे. आप सब लोगों का साथ रहेगा तो जो बहुत जल्द करेंगे. ठीक है. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एल्बम का? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. मुझे अच्छे लोग मिले तो मैं अच्छा काम करते गया और सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई. रास्ते अपने आप सिंपल होते चले गए. कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी जल्दी ये लेवल पर पहुँचूंगा कि मैं डेजी के साथ गाना करूँगा. पर काफ़ी हार्डवर्क की थी हम लोगों ने गाना बनाने में. और टी सीरीज़ को गाना पसंद आया, उन्होंने मतलब सुनते ही कहा कि अच्छा गाना है, आप शूट करो. हमने शूट किया और बहुत सारी चीज़ मेरे प्रोड्यूसर लोगों ने मुझे बिलीव किया और उन पर खर्चे भी अच्छे किए. आप देखो जो वीडियो तो पता चलेगा कि ये नॉर्मल म्यूज़िक एल्बम नहीं है. इसमें एक स्टोरी लाइन है, इसमें अच्छा हम लोगों ने प्रोडक्शन कॉस्ट किया. मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं इसमें मेरे हिसाब से. अभी आप लोग देखोगे तो उसका आप लोग रिव्यू दोगे. फर्स्ट चॉइस आपने डेजी रखा था? बहुत पहले दिन में जब सोचा था कि मेरे को डेजी के साथ ही गाना. इनफैक्ट मैंने डेजी को कहा भी था कि मैं फर्स्ट ईयर डिजी थी, कि मेरे को उस इंसान के साथ करना था कि मैं जिसके साथ जो डांस अच्छी तरीके से जानता हूँ. और डिजी से बेहतर डांस मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा, क्योंकि इन्होंने काफ़ी साल डांस किया है और सिखाया है.
इन्होंने डांस करने के साथ लोगों को सिखाया भी है तो ये राइट चॉइस की मेरी डिसीजन। तो कहां जा सकते हैं आने वाले को? कैसे होता है कोई भी अगर प्रोजेक्ट की बात करें या किसी से सजेशन लेती है आप इस बात को लेकर कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना है? कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो सुनते ही आपको पता है कि आपको इसके अंदर एक पार्ट प्ले करना है। तो जब मैंने ये गाना सुना था, मैं तभी आर्यन को जानती भी नहीं थी, मुझे मेरे एक फ्रेंड है जो कि हमारे एल्बम के डायरेक्टर भी है, तो उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया था एंड सुनाया लाइक ही जस्ट सेंट मी अ मेल। आई हर्ड द सॉन्ग, द मिनट आई हर्ड द सॉन्ग आई टोल्ड देम दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, बिकॉज व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग सारे एलिमेंट्स आप साइड में रखो और गाना साइड में रखो, बिकॉज द सॉन्ग इटसेल्फ इज ब्यूटीफुल। डोंट लुक एट मी दैट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम फीलिंग प्राउड फॉर इट। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, लाइक आई नो कि गाना जो है वो सुनते ही आपके पैर टैप होने शुरू हो जाएंगे। इट्स अ सॉन्ग विच कैन बी प्लेड इन अ क्लब, इट्स अ सॉन्ग विच कैन बी प्लेड इन अ शादी, इट्स अ सॉन्ग विच कैन बी प्लेड इन अ डिस्क, सो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल सॉन्ग दैट वे। डीजी गाने में रोल कर सकती है, डीजी गाने रिक्रिएट क्यों करें? आप प्ले करना चाहे किसी गाने में? पर अभी तक मुझे वैसा मौका नहीं मिला है, पर मिलेगा तो आई बी वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ यू नो अ सॉन्ग विच हैज़ बीन इन द यस्टर ईयर एंड वी आर रिक्रिएटिंग टुडे। तो हेट स्टोरी में एक गाना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं, वो ज़रीन के पास चला गया था एंड दैट सॉन्ग डिड रियली वेल। सो या आई वुड रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ अ सॉन्ग विच इज़ बीन रिक्रिएटेड। व्हाट अबाउट यू आर्यन? मैं तो काफ़ी गाना करना चाहूँगा, रिक्रिएशन का मैं मानता हूँ। गाना अगर आप नाम देना चाहिए उसका? काफ़ी गाने हैं ऐसे, ऐसे कोई एक गाना नहीं, काफ़ी गाने हैं। इनका हम लोग कर भी रहे, ऐसे कोई काफ़ी गाने देखेंगे जी। अगर ये भी जो गाना है, इसके शुरुआत की फोक के सॉन्ग की हम लोग ने लिए है, बोल मिट्टी दबाव बात है। पर क्या होता है, जैसे आप रिक्रिएट करते हो, हम मैं काफ़ी साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है एज ए डीजे, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक ट्रैप म्यूजिक को बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूँ, ऐसी चीज़ लाऊँ जहाँ पर इन सब चीज़ का कॉम्बिनेशन मिले, द मिक्स ऑफ जॉनर्स, जहाँ पर मैंने ट्रैप और यहाँ पर रेगे और पुराने फोक सॉन्ग को लेके मैंने ये चीज़ को क्रिएट किया। सो ये भी आप रिक्रिएशन ही आप इसको लीजिए, बस में एडिशनल वोकल्स है, रैप है, मेरा रैपर दिखता नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया और ना मेरे डायरेक्टर है यहाँ पर, कोई यहाँ पर नहीं, आएंगे सब लोग, पर आप लोग देखेंगे जब गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा गाने में हमने रिक्रिएशन में क्या एफर्ट्स डाले, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। राइट डीजी, थैंक यू सो मच। अगर गाने की दो लाइनें आप बता दें शुरुआत की बात, गाने की स्टोरी बताना चाहूंगा। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, ऐसे कुछ नया कर रहे थे, तो ये हम लोगों ने काफी सब काम साथ में किया और कर रहे हैं इन फ्यूचर भी, तो ये कुछ की गुनगुना रही थी ऐसी मन में, पुराने जमाने के टाइप का, तो मैंने क्या गुनगुना रही हो आप? तो इन्हें कुछ मतलब जर गाओ, अभी ये टेम्पो पे गाओ, ये बीपीएम पे गाओ, इन्होंने चालू ही करते ही वो गाना कहाँ पहुँच गया देखो आज। एग्जैक्टली, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी कि मैं पंजाबी हूँ, तो ये जो फोक की बात कर रहे थे, इट्स अ वेरी पॉपुलर पंजाबी फोक मिट्टी दा बावा करके है, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। अच्छा, पुराना कैसे तो गा के दिखा ना? अब मुझे गुनगुनाने का बहुत, मतलब मैं गुनगुना रही, कुछ बोल रहे थे कि कुछ तो म्यूजिक करते हैं, सो मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी बैठ के। सो पुराना ये है फैसल, हमारे जो एल्बम के डायरेक्टर है फैसल मियां फोटो वाला, एंड मैं ये गाने में हूँ इनकी वजह से, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आर्यन इन्हें जानते थे और इन्होंने मुझे, सो दैट्स हाउ द एंटायर सर्कल इज। और ये अब जी जो रैप कर रहे हैं मलिक जी, आपको सबका भी लाइव रैप करेंगे, लाइव लाइव विद द बीट्स, नॉट विद द बीट्स, ओके उसका मैं कैमरा नीचे करूंगा। माही वे जदो कन्ना चे सुनाई दे, माही वे जीवे जख्मा चे दवाई वे, माही वे जिंद तेरे नाल लाई वे, माही वे देवा मैं तेरी दुहाई गल्ला तेरे हुन जाग दी रु तेरे पास मुझ दुनिया छड़ दू नाल कर्म तेरे खुशियां रख दू जे एक बार कर नाल बिके तू ते दुनिया दे ते दुनिया दे ते दुनिया दूजे पासे सड़ी अपनी दुनिया बनावांगे सड़े नाम के तब बचावांगे। ओहो, थैंक यू सो मच। मेरा विशाल मेरे को नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, हमारा होस्ट यहाँ से भाग चुका है। विशाल
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बात है इस गाने से रिलेटेड जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आज तक आप लोगों ने फिल्में बंदी सुनी होंगी जो 15-15 साल लग जाते हैं। ये एक पहला गाना है, 8 महीने लगे हैं, 8 महीने के बाद ये गाना रिलीज हुआ है। बहुत मेहनत बहुत प्यार से बनाया हुआ ये गाना है, या एब्सोल्युटली। और दोनों हमारे हीरो हीरोइन को 8 महीने तक अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करना पड़ा। वैसे इस गाने में बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी मंच पे नहीं है, मैं उनको शुक्रिया अदा करूंगा। जैसे मेरी एक यंग ब्रिगेड है, उज्जवल, ऋषभ, धीरज, प्रशांत, जय पारिक, ऑफकोर्स माय एसोसिएट डायरेक्टर एंड माय वाइफ गजाला, शी इज अ वेरी पॉपुलर, वेरी वेरी फेमस साउथ इंडियन एक्ट्रेस, तेलुगु फिल्म एक्ट्रेस, एंड नाउ शी इज इनटू डायरेक्शन। सो मेरा साथ देती हैं और इसमें 70% हाथ उनका ही है, क्योंकि जो आप फील देखेंगे ये चटक मटक और ये ब्राइट कलर्स, ये बहुत हद तक हमने साउथ को मैच करने की कोशिश की है। फॉर अ लवली सपोर्ट आशिका, थैंक यू वेरी मच। एंड हु एल्स, आई एम श्योर आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनी नेम। प्रदीप जी, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये है जिनके जेब से पैसे निकले हैं 8 महीने तक। नहीं, अगले इसमें बजट बढ़ा के लेंगे अभी, है कि नहीं? बजट बढ़ना चाहिए कि नहीं? And most of all, Daisy ने बहुत, Daisy एक हमारे लिए एक star power था इस गाने में. She's a wonderful actress. You want to say the history? How we know? जैसे इन्होंने mention किया इनकी wife गजाला, मैं गजाला और आशिका हम तीन friends हैं, जो I think हम लोग 6 साल से दोस्त हैं. Yeah, we are friends since 8 years and we are like teen ki tibri. और ये जो है वो हम मेरी एक दोस्त गजाला, उनसे शादी की और वैसे हम एक दूसरे को मिले और he happens to be a photographer, very well photographer and a very good director as you just saw. See, there were a lot of things. She was busy in her film. इनकी फिल्म आ रही है राम रतन, so उसमें ये busy थी तो ये बाहर चली गई। फिर उसके बाद आर्यन का भी, जिसमें आपने लुक देखा होगा, बेयर बॉडी शॉट है, तो आर्यन को भी, आजकल का जमाना बहुत बदल गया है ना, आजकल हीरो मेहनत करते हैं, उनको चाहिए कि मुझे परफेक्शन, मैं परफेक्शन मतलब पूरे परफेक्ट दिखाई दूं, तो उन्होंने भी थोड़ा वक्त लिया। फिर मेरी भी कुछ तबीयत खराब हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, धीरे 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 करके ये गाना, इस पर काफी वक्त लगा, 2-3 महीने के लिए गाना रुक गया, फिर उसके बाद फिर गाना बनने के लिए हुआ, फिर हमने इसमें काफी सारा, इसमें तकरीबन 4 सेट यूज हुए हैं इस गाने में। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग दिस ईयर, मतलब मुझे ऐसा लगता है बजट वाइज इट इज, हम लोग हाँ, सो आप देख सकते हैं मेरे जीन्स वीन्स भी फटा हुआ है मुझे भी। सो इट इज ओनली प्रदीप जी जिन्होंने मतलब बहुत बहुत साथ दिया हमारा, ऐसे ऊपर वाला ऐसे प्रोड्यूसर सबको दे। आठ महीने तक उन्होंने साथ दिया, थोड़ा सा पैसा और लगा देते तो ये फिल्म बन जाती। Daisy is very athletic, first of all. So, जब हमने ये गाना सुना तो मैंने आर्यन को बोला कि जो Daisy का मेन, मुझे Daisy इस गाने में चाहिए, क्योंकि एक तो ये बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी डांसर भी है, बहुत अच्छा डांस करती है, अच्छे मूवमेंट है, तो हमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और हम पैसा बचा लेंगे, तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। तो इनको भी, प्रोड्यूसर साहब को भी यही बोला गया था कि यार देखो वक्त जाया नहीं होगा, वो तो फौरन पिकअप करेंगी और काम भी हो जाएगा और कुछ फिल्म, और हमारे प्रोड्यूसर साहब को फिल्म की हीरोइन चाहिए इस गाने में। सो कुल मिला के ये चीजें हो गई और फिर मिट्टी का जो गाने में मिट्टी है, तो फिर आर्यन को बॉलीवुड बहुत पसंद है। बताओ आर्यन किसके जैसा दिखता है आप लोगों को, गौर से देखो। ये सवाल गलत है, ये सवाल बिल्कुल मेरे जैसा दिखता नहीं है, मेरे जैसा दिखता नहीं है, मैं जब जवान था तो ऐसे ही दिखता था। उसको उसको
बिल्कुल बॉलीवुड चाहिए था, हमने बहुत कोशिश की कि थोड़ा क्रिएटिविटी घुसाए, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी फोकस्ड एंड ही न्यू कि इसको क्या करना है. And the most important person, no, it's a general एक जोरदार ताली आप उसके लिए बजाएंगे जिसका नाम मैंने mention करना मैं भूल गया, जिसके लिए फिर 7 तारीख को हम दोबारा शूट करेंगे राहुल, the choreographer, जितना young और जितना amazing personality है ये, उतना ही ज़्यादा talented है and I love him and inshallah in coming years, मतलब मुझे नहीं लगता ज़्यादा years में ज़्यादा बोल रहा हूँ, in coming year he'll be a very big director inshallah. One of the most coolest choreographers I've ever met. Before I forget, that's Paul. पीछे खड़ा देख ले रहा है my partner in crime, so it's Rahul and Paul. And sorry. कोई बोला क्या? Light. Light घुमाओ. मैं यही कहूँगा कि जब मैंने सुना कि डेजी है वीडियो में तो मेरा आधा स्ट्रेस वही खत्म हो गया, क्योंकि इनको हमने डांस करते हुए देखा है और जब रिहर्सल पे हॉल पे आई तो हमने 1-2 घंटे रिहर्सल कोरियोग्राफी उन्होंने सीख लिया. ओके, ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ 2-3 घंटे रिहर्स किया, हमने रिहर्सल किया है. वो बिजी शेड्यूल में थी बट फिर भी उन्होंने टाइम दिया और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कोऑपरेटिव है. Being so busy, she did a great job, so thank you for that, because hamara kaam inki wajah se dikh jata hai. You made it really, it's a teamwork. Yes, yes. Aur abhi kaan laga ke na mere bare mein kaun hai sab inki wajah se, but Aryan pure video mein shoot hone se leke video ka gaane ka janm hone se leke aaj ki date tak Aryan ne mere ko roz call kiya hai, भाई कैसा होगा, भाई कैसा होगा, भाई कैसा होगा, तो भाई को ये बोलूंगा भाई ऐसा होगा. गुड जॉब आर्यन, तो भाई थैंक यू, थैंक यू. अच्छा अच्छा कॉम्प्लीमेंट. सो एक काम करते हैं, गाने की छोटी सी मेकिंग भी है हमारे पास, ये गाना बना कैसे, लेट्स हैव अ लुक, एक बार देखते हैं. एंड ऋषि जी का ब्रदर अनिल.